कोरोना कर्फ्यू को लेकर प्रदेश भर से व्यापार मंडल के प्रतिनिधि प्रदेश अध्यक्ष सुमेश शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले और बाजार खोलने का उन्होंने आग्रह किया है, लेकिन जयराम ठाकुर ने उन्हें 31 मई तक इंतजार करने का आश्वासन दिया था और कहा कि 1 जून से व्यावसायिक संस्थानों को खोलने का प्रयास किया जाएगा। सूत्रों की माने तो प्रदेश सरकार इस लॉकडाउन को कुछ और दिनों तक बढ़ाने का निर्णय कर रही है, लेकिन व्यापारियों के बढ़ते दबाव के कारण अब सरकार बाजार को किस तरह से खोला जाए इस पर विचार कर रही है। इस मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने भी पहली बार अपनी राय मीडिया के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर आई है और कई लोगों की जिंदगियों को कोरोना ने निवाला बनाया है। बिगड़ती स्थिति को प्रदेश में चल रही बंदिशों की वजह से भी नियंत्रित किया जा रहा है, इसलिए सभी व्यापारियों को मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत और समर्थन करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने व्यापारियों से आग्रह करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं चाहते हैं कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां आरंभ हो, लोगों को रोजगार मिले, दुकानें पहले की तरह फिर से खुलें, लेकिन दूसरी तरफ मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की जान को बचाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाया गया था। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल में सख्त और कठोर नियम लागू नहीं किए गए हैं, कई तरह की गतिविधियां स्वतंत्र तौर पर चल रही हैं। उन्होंने कहा कि व्यवसाय आज नहीं तो कल कुछ दिन बाद खुल जाएंगे, लेकिन प्रदेशवासियों की जीवन को दाब में रखकर कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री व्यापारी और जीवन कैसे बचाए जाए इसके लिए पूरी तरह से सजग है और जल्द ही सभी के हित में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि संकट में व्यापारियों ने बेहद सब्र रखा है और आगे भी वे सरकार का सहयोग करते रहेंगे। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात के पक्षधर हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में और कोरोना से भी हमको लोगों को जो बचाना है उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस तो जो है वो रहनी चाहिए, लेकिन दोनों के बीच में एक संतुलन भी जो है आवश्यक है। इस बात को लेकर के शुरू से ही सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है वो आग्रह भी रहा है और शायद मुझे लगता है उतने सख्त निर्णय हिमाचल प्रदेश में नहीं लिए गए जितना कि अन्य राज्यों में लिए गए हैं। इस पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति की जान को बचाना ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के घर से यदि कोई चला जाता है, काल का ग्रास हो जाता है, तो फिर उस परिवार के ऊपर क्या गुजरती होगी ये सिर्फ एहसास उन्हीं को हो सकता है। शॉप्स तो चलो आज नहीं खुलेंगी, 10 दिन के बाद खुल जाएंगी, लेकिन अभी वर्तमान में लोगों के जीवन की रक्षा करना ये जो है सरकार का परम कर्तव्य है। लेकिन साथ ही साथ सरकार जो है जो हमारा व्यापारी वर्ग है उनकी समस्याओं के प्रति भी जागरूक है और इसके ऊपर भी निरंतर विचार जो है वो सरकार करती है, लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में कोई निर्णय जो है निश्चित तौर से इस दिशा में जो है हमारी सरकार जो है वो उठाएगी।